अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। स्टेकोमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ यील्ड ऑफ ए रिएक्शन। पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल, एक्चुअल और परसेंटेज यील्ड को डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियो में इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसकी कैलकुलेशन वो करते हैं। सो लेट स्टार्ट। जब भी हम यील्ड ऑफ ए रिएक्शन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अक्सर प्रॉब्लम इस तरह होते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि परसेंटेज यील्ड मालूम करें या फिर थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में अगर आप देखें कि हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन अ क्रूसिबल प्रोड्यूसेस 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कि जब आप कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब अगर 24.8 ग्राम जो है एक्चुअली इसका हीट हो चुका है और क्रूसिबल में इसको हीट करने के बाद जो कॉपर ऑक्साइड का वो यील्ड आया है वो 13.9 ग्राम है जो एक्चुअली ऑब्टेन हुआ है। अब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल। सो व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड आप मालूम करें। अब परसेंटेज यील्ड के लिए फार्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। एक्चुअल यील्ड जो है कॉपर ऑक्साइड का वो हमें दिया गया है 13.9 ग्राम जो है वो हमें दिया गया है। अब थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट करना है फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको यूज करके हमने क्या करना है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड वो कैलकुलेट करना है कॉपर ऑक्साइड के लिए और बाद में हम परसेंटेज यील्ड कॉपर ऑक्साइड का कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, कॉपर का 64 + 12 = 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये आ जाएगा 48, तो इसको सम अप करके हमारे पास आ जाएगा 124 ग्राम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कहता है कि अगर 124 ग्राम जो है वो कॉपर कार्बोनेट के हो तो हम क्या, हमारे पास कितना कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो होगा 80 ग्राम, क्योंकि कॉपर का है 64, ऑक्सीजन का वो है 16, सो 16 + 64 = 80 ग्राम। सो थ्योरेटिकल यील्ड एज वी नो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो वी विल यूज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एक्चुअली हमारे पास है 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट के, जिस तरह हमें बताया गया है कि 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट के लिए गए हैं, तो 124 प्रोड्यूस कर रहा है 80 ग्राम, तो अगर 24.8 होंगे वो कितने प्रोड्यूस करेंगे, x ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x की वैल्यू निकालेंगे जो आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 24 और डिवाइडेड बाई 124, एक्चुअली ये 24.8 है, तो इससे आंसर आ जाएगा 16 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो कि हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है। क्यों? क्योंकि इसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया। अब परसेंटेज यील्ड जो है वो है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो है वो है 13.9 ग्राम, जिस तरह हमें यहां पर दिया गया है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने कैलकुलेट किया वो है 16 ग्राम। सो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास आ जाएगा 86.87%। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो बना रहा है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2.5 kg। अब अगर 2.5 kg वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्रोड्यूस हो रहा है, व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन इज यूज्ड, अगर 4.5 kg लाइमस्टोन का यूज हुआ है तो क्विक लाइम प्रोड्यूस हुआ है 2.5 kg। फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज यील्ड मालूम करना है। सिमिलरली जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि मास ऑफ लाइमस्टोन हमें दिया गया है 4.5 kg, कैल्शियम कार्बोनेट का मास 4.5 kg, तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 4500 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ क्विक लाइम जो प्रोड्यूस हुआ है वो है 2.5 kg या 2500 ग्राम। दिस इज द एक्चुअल यील्ड, क्योंकि क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड वो क्या है, वो प्रोडक्ट में है, यील्ड है।
और एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्टेन हुआ है, तो मतलब ये कि ये हमारा एक्चुअल यील्ड है। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 348, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। अब एक्चुअल यील्ड हमारे पास आ गया है, हमने परसेंटेज यील्ड को मालूम करने के लिए थ्योरेटिकल यील्ड भी मालूम करना है। एक्चुअल यील्ड तो हमें दिया गया है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हम मालूम करेंगे फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है कि 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, क्योंकि ये 1 मोल है तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम अगर होंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने बनेंगे, 56 ग्राम। अब फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज वी नो दैट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, इट इज इक्विवेलेंट विद 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम का है 40 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 56 ग्राम 1 मोल है, तो 100 ग्राम 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 4500 ग्राम होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के हमें कितने लिए गए हैं, वो है 4500 ग्राम है, तो वो कितने प्रोड्यूस करेंगे x, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालें, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 56 और डिवाइडेड बाय 100, इससे आ जाएगा मास ऑफ क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है इक्वल टू 20 ग्राम। दिस इज आवर थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि इसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम किया, तो ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है। अब परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा एक्चुअल कितना है 2500, जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि ये एक्चुअल है और जो थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट किया वो 2520 है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंट यील्ड हमारे पास आ जाएगा 99.2%। इस तरीके से हम परसेंटेज यील्ड को मालूम करते हैं और यही तरीका है जिससे हम थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन में ट्रिक क्या करते हैं, ट्रिक ये करते हैं कि आपको दे देते हैं एक्चुअल यील्ड पहले से दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि एक रिएक्शन है जिसका एक्चुअल यील्ड इतना है और इसकी परसेंटेज यील्ड आपको दी गई है, आप थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें, या फिर इस तरह करते हैं कि एक्चुअल यील्ड पहले से पता होता है तो क्या करते हैं कि एक्चुअल यील्ड को छुपा लेते हैं, इसकी वैल्यू को शो नहीं करते आपको। तो क्या करते हैं कि आप एक्चुअल यील्ड मालूम करें, थ्योरेटिकल आपको दिया गया है या परसेंटेज दिया गया है, या इस तरह होता है थ्योरेटिकल भी नहीं दिया गया होता तो परसेंटेज यील्ड सिर्फ इसकी वैल्यू दी गई होती है, तो आप इसको इस फार्मूला को अगर एक्चुअल यील्ड के लिए अरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय 100। तो पहले आपने थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम करना है और परसेंटेज यील्ड की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू को परसेंटेज यील्ड के साथ मल्टीप्लाई करें और 100 पर डिवाइड करें, तो जो वैल्यू एक्चुअल यील्ड की वो छुपाई गई होगी वो आपके पास वो आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।